हेलो क्लास, दिस इज़ योर इंग्लिश सेशन. एवरीवन टेक आउट योर बुक बर्ड्सवर्ड एंड टेक आउट पेज नंबर 75 एंड यू कैन सी अ पोएम हियर दैट इज लिटिल वाइट क्लाउड. क्लास, आप सभी बच्चे अपने पेज नंबर 75 निकालेंगे और यहाँ पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम रीड करने वाले हैं जिसका नाम है लिटिल वाइट क्लाउड. क्लाउड क्या होते हैं? आपने ऐसे ऐसे क्लाउड्स देखे होंगे ना स्काई में, नीला नीला ब्लू कलर का स्काई होता है और उसमें वाइट वाइट कलर के क्लाउड्स ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं, ऐसे चल रहे होते हैं. आपने देखे होंगे कितने सुंदर लगते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बादल, है ना. तो चलो अब हम अपनी पोएम रीड करना स्टार्ट करते हैं. लिटिल वाइट क्लाउड फ्लोटिंग इन द स्काई, लिटिल वाइट क्लाउड जस्ट पासिंग बाय. Sometimes you look so light and bright, sometimes you look as dark as night. Little white cloud floating in the sky, little white cloud just passing by. तो देखो कितनी छोटी सी अच्छी सी पोएम थी. अब मैं आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ, आपको इसका मतलब समझाती हूँ. लिटिल वाइट क्लाउड, लिटिल वाइट यानी लिटिल होता है छोटा, वाइट यानी सफ़ेद और क्लाउड बादल. तो ये जो गर्ल है या जो स्पीकर है जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, तो वो क्या बता रही हैं हमें कि एक छोटा सा वाइट क्लाउड है जो कि एक छोटा सा सफ़ेद बादल है जो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. फ्लोट यानी कि घूम रहा है स्काई में. आपने देखा होगा कभी ध्यान से कि जो बादल है ऐसा लगता है वो आसमान में कैसे चल रहे हैं, ठीक है, एक एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं. Little white cloud just passing by, यानी एक जो छोटा सफ़ेद बादल है, just passing by, बिल्कुल यहाँ पास में से अभी अभी गया है. Passing by मतलब पास में से जाना. Sometimes you look so light and bright, जो poet हैं जिन्होंने poem लिखी है वो कह रहे हैं कि sometimes यानी कभी कभी. You look यानी you किसके बारे में बात हो रही है, cloud के बारे में. तो वो कह रहे हैं कि cloud को कि कभी कभी तो तुम ऐसे दिखते हो जैसे बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्के हल्के से हो और बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, यानी बहुत चमक रहे हो, तुम्हारा जो वाइट कलर है बिल्कुल शाइन कर रहा है. समटाइम्स यू लुक एज डार्क एज नाइट, और कभी कभी जो बादल हैं आसमान में ऐसे दिखते हैं जैसे रात हो गई हो. ऐसा कब होता है बच्चों? जब रेन होने वाली होती है तब आप देखते हो क्लाउड्स का कलर एकदम चेंज हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है ना. तो जो क्लाउड्स हैं उन्हें वो टू कलर्स के दिखते हैं, कभी कभी तो वो ब्राइट दिखते हैं, चमकीले दिखते हैं, और कभी कभी वो बिल्कुल डार्क, बिल्कुल गहरे काले काले नज़र आते हैं. लिटिल वाइट क्लाउड फ्लोटिंग इन द स्काई, यानी छोटा बादल जो है वो आसमान में तैर रहा है. लिटिल वाइट क्लाउड जस्ट पासिंग बाय, और लिटिल वाइट क्लाउड अभी अभी यहाँ से गुजरा है. ओके क्लास, आई होप यू एंजॉयड दिस पोएम. आप सभी बच्चों को ये पोएम इसी तरह से रीड करनी है. मैं आपको वंस अगेन रीड करके बता रही हूँ, सब बच्चे मेरे साथ में इसी तरह से इसे सिंग करेंगे. लिटिल वाइट क्लाउड फ्लोटिंग इन द स्काई, लिटिल वाइट क्लाउड जस्ट पासिंग बाय. समटाइम्स यू लुक सो लाइट एंड ब्राइट, समटाइम्स यू लुक एज डार्क एज नाइट. Little white cloud floating in the sky, little white cloud just passing by. So I hope you liked it. आपको ये अच्छी लगी होगी. Now turn the page class. इसकी back exercise and question answers हम अपनी next video में discuss करेंगे. और आज मैं आपको इस poem के word meaning explain करने जा रही हूँ. सभी बच्चे इसको अपनी notebook में करेंगे जिस तरह से मैंने लिखा है. और साथ में आपको इस पोएम लिटिल वाइट क्लाउड का ये पिक्चर, जो सुंदर सा पिक्चर है, इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, ठीक है. इस तरह से क्लाउड होना चाहिए, एक रिवर, ट्री, सन, ओके. और इसको अच्छे से कलर करना है. इंट्रोडक्शन की जगह में आप ये लिटिल वाइट क्लाउड पोएम का सीन अपनी नोटबुक में बनाएंगे बच्चों, ओके. और उसके बाद में आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे. नंबर वन वर्ड इज़ फ्लोटिंग. फ्लोटिंग का मीनिंग होता है मूवेबल, यानी जो चलता है. इसका एक सेंटेंस हम लिखेंगे. क्लाउड इज़ फ्लोटिंग इन द स्काई, यानी क्लाउड जो है, जो बादल है वो स्काई में चल रहा है. पासिंग बाय, पासिंग बाय मीन्स मूविंग अलोंग. सेंटेंस है इसका, अ बॉय इज़ पासिंग बाय नियर द लेक, यानी एक बॉय जो है वो लेक के पास में से जा रहा है या गुजर रहा है. तो बिल्कुल बिल्कुल आपको मैंने छोटा सा ही आज होमवर्क दिया है और आप सब बच्चे इसको अपनी नोटबुक में करेंगे. इसी तरह से आज की डेट एंड हेडिंग डाल के और इस पोएम को आपको 2 times रीड करना है, इस वीडियो को 2 times देखना है.
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने एसए वन सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन, अपना लर्निंग वर्क भी अच्छे से अपने घर में करिए. ओके क्लास, थैंक यू सो मच.